करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। और 2100 रुपए का सहयोग यहां भगवान परशुराम युवा मंडल कमेटी का किया है, एक बार जोरदार तालियां बार बार धन्यवाद। सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद समिति बापोड़ा जो समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते रहते हैं, चाचा सियाराम जी और मुकेश जी ये रिश्तेदार भी हैं हमारे, 500 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बार बार धन्यवाद। और 3100 रुपए का सहयोग यहाँ कमेटी को किया है, एक बार जोरदार तालियां बार बार धन्यवाद। देखो कितना शीशे की इतने साफ उदाहरण लगाया, एक वेश्या कितना गलत काम करती है सारी दुनिया को पता है, पर न्यू कहे 10 लाख रुपये नगद कर दे, और वेश्या ने भी न्यू कह देनी दम दौड़ी में सारे कपड़े काट के नगन अवस्था में यो भिवानी शहर है इसके बीचों बीच चली जा, गारंटी है वेश्या भी नहीं जागी। न्यू तो वेश्या भी नहीं जागी, नगन शहर बेचारे वो तो एक रियासत का राजा था, तड़ेन लखाया लखा के शर्मा गया। शरीर मनुष्य के शामी नहीं लखाया जागा, रानी ने सदा आनंद भोगे ना दुखठाया जागा, इसके संग में रहते सते न खाया कमाया जागा, रहते सते न खाया कमाया जागा। किसे ने सीता मरना चाहिए, छोड़ चलो बलि करेंगे कभी ना डरना चाहिए, एक साड़ी तो है का तू गाड़े इब के करना चाहिए, छोड़ चलो हर बलि करेंगे कभी ना डरना चाहिए। हम तो सारी दुनिया तुम इतनी सुहानी,
रामविलास जी को देवसर से देते हैं बार बार धन्यवाद। भगवान परशुराम यहाँ मंडल मिताथड़ 100 रुपये और देते हैं बार बार धन्यवाद। बोलू भाई दिनाना से 100 रुपये से और मान सम्मान उत्सव जारी करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महावीर सनोप सजन दारीवाल साहब 1000 रुपये का सहयोग कमेटी में, 200 रुपये पार्टी के नाम, दारीवाल साहब को बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। फूंक दे फूंक दे कलयुग ने बुद्धि, फूंक दे कलयुग ने बुद्धि, आत्मा काली होगी, राज करूं था आज पुष्कर के आत्मा काली होगी। 16 वर्ष तक माता पिता ने आप संभाली होगी, आज पति वरता अपने धर्म की आप रुखाड़ी होगी, आज पति वरता अपने धर्म की आप रुखाड़ी होगी। ओए दोस्त मेरा से, ओ दोस्त मेरा से, रानी ने भला क्यों दुख भरना चाहिए, छोड़ चलो पतिव्रता का त्याग कहीं शास्त्रों में भी नहीं लिखा, भैया छोड़नी ठीक नहीं है। और जब वो कलयुग टक्कर मारे फिर ये बुद्धि पलट गया, अगर छोड़ दिया इसने कड़ा ले जाएगा या इसके साथ रहे गुजारा नहीं होगा, फिर छोड़ने की आ जा। न्यू देखियो किसी का कोई बालक गलत काम कर दे और टोटा आजा को गलत काम समान में हो जाओ मरण की सोच ले, हर गांव का गोरे का रेल जाती हो रेल की पटड़ी पे चली हो और वो कटन चाल पड़े और को भला मानस उसने झूठे रुक्का मार ले से उन्हें बेरा भी ना हो, रब फलाने आ जा बोले हुक्का प्याऊंगा चा प्याऊंगा। बात यह है वो हुक्का चा प्या दे फिर गारंटी से मरे कोनिया क्यों घड़ी टड़ जाता तल जो काम हो जाएगा वो फिर नहीं होगा। राजा नल ने सोचे बस सारी साड़ी छोड़ के तो घाड़ा में कड़ जाऊंगा और साड़ी में मैं ले चल लू तड़ रानी की मट्टी पटेगी, इब कोई सा राज हो जिस तम साड़ी ना दी आधी काट लू आधी साड़ी रानी तो रह जा आधी साड़ी मैं ले चल लू। जब बुद्धि में यह बात आई कलयुग ने सोचे इब कोई सा राज पा गया तो यो काट लेगा चलिया जागा ना जागा भी नहीं है सजनो। नुकसान दे रहा था राजा नल ना हाथ मारिया कलयुग खुद तेगा बन के कोण में खड़ा हो गया, हाथ मारिया पहला हाथ मारते हाथ में तेगा आ गया उड़े साड़ी काट दी क्या खाने पड़ी। एक मन ते तो छोड़ बहू ने
एक मन ते छोड़ बहु ने एक मन ना तन खाकर कलयुग जोर जमाव भूप न्यारे पाटन खाकर राजा नल विचार करे था न्यू दल टाटन खाकर और एक पन्ना सा राज भी चाहिए साड़ी काटन खाकर एक पन्ना राज भी चाहिए साड़ी काटन खाकर करेंगे कभी ना डरना चाहिए।